गढ़वा में छात्राएं मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। पीने के पानी की व्यवस्था नहीं होने से इन लोगों को काफी परेशानी होती है और इसके अलावा बिना गार्ड और वार्डन की ये छात्रावास में रहने को मजबूर है, जिससे ये लोग भयभीत रहती है। गढ़वा के आदिवासी बालिका छात्रावास में छात्राओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कैंपस में चार चापाकल होने के बावजूद पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है और साथ ही बिना वार्डन और गार्ड के ये लोग भयभीत रहती हैं। वहीं अधिकारियों से जब इस पर कहा गया तो वो सुधार के बदले फटकार ही मिलता है उन्हें। मूलभूत सुविधाओं से महरूम है छात्राएं, भय के माहौल में रहने को है मजबूर, पानी के लिए भटकने को मजबूर छात्राएं, बिना गार्ड और वार्डन के चल रहा छात्रावास। झारखंड का गढ़वा शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा इलाका है, लेकिन यहाँ की छात्राएं शिक्षा को लेकर बहुत सजग हैं, लेकिन इनकी सजगता और तत्परता को नजरअंदाज किया जा रहा है। दरअसल गढ़वा छात्रावास में रहने वाली छात्राएं मूलभूत सुविधाओं से महरूम है। छात्राओं को पीने के पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। इतना ही नहीं, इस छात्रावास में कई सालों से वार्डन और गार्ड नहीं है। छात्राओं का कहना है कि ये भय के माहौल में आ रहती है। हालांकि इसकी शिकायत जिलाधिकारी से की गई, लेकिन आश्वासन के सिवा कुछ भी नहीं मिला। सुरक्षित यहाँ रहने के लिए नहीं मिला गया। पहला बात, हम लोग के वार्डन नहीं है और पानी की बहुत समस्या है। यहाँ तक जब तक से रह रहे हैं तब तक से समस्या ही समस्या हो रहा है और हम लोग के असुरक्षित बहुत महसूस करते हैं। और पानी के लेकर के बहुत समस्या है और हर साल इसी तरह होता है। और मेन दिक्कत हम लोग का सुरक्षित रहने के लिए। इस इलाके में कम शिक्षण संस्थान होने से युवक बाहर जाकर अपनी पढ़ाई पूरी कर लेते हैं, लेकिन युवतियों के सामने कई बार आसपास रहकर पढ़ाई करने की मजबूरी होती है। ऐसे में आश्वासन के साथ साथ फटकार मिलने से ये लोग काफी आहत हैं। वहीं पूरे मामले पर स्थानीय विधायक और मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होगी और कुछ ही दिनों में पूरी व्यवस्था दुरुस्त होगी। लोग समरनाले पे गए थे तो वहाँ पे गए तो वहाँ बोले कि पानी की समस्या लेकर कुछ आए हैं, तो बोल रहे हैं कि फ्री में रह रही है हॉस्टल में, आओ पानी भी मिलेगा, पानी खरीद के पियो। हम लोग बोले कि इतना ही दम रहता तो हम लोग रेंट पे रहते, तो बोल के जाके रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे बोले थे। बहुत ही गंभीर मामला है। अगर ऐसी बात आई है, अगर हमारे संज्ञान में लिखित रूप से ऐसा कोई मामला आएगा तो जो भी इसके लिए संबंधित अधिकारी हैं या जो भी संबंधित व्यक्ति हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और आज आपके माध्यम से मेरे संज्ञान में यह मामला आया है कि आदिवासी छात्रावास में पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि बहुत जल्द मेरी कोशिश रहेगी, एक सप्ताह के अंदर वहां पीने का पानी उपलब्ध हो जाएगा। एक तरफ तमाम परेशानियां और उलझने, वहीं दूसरी तरफ पढ़ाई को लेकर तत्परता और सजगता शिक्षा के प्रति छात्राओं के जुनून को दर्शाता है। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि सरकार और प्रशासन इस पर जल्द से जल्द संज्ञान ले ताकि लोगों की पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके। न्यूज 11 भारत के लिए गढ़वा से आशुतोष रंजन की रिपोर्ट।